ऊपरी का पास ही बना है कार दे कुछ और पे बार बार होने जा रहा है सर, जिस तरह से विधानसभा सचिवालय ने तैयारी की है, नेता विपक्ष कितने संतुष्ट है और कितना मानते हैं आपके हम कोरोना के संक्रमण से बचने के साथ साथ सदन को भी चला सकेंगे? देखिए, हमने विधानसभा अध्यक्ष जो हैं उनको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है अपने पार्टी की तरफ से कि किसी भी हालत में सेशन होना चाहिए, विधानसभा मस्ट रन, विधानसभा हर हालत में होनी चाहिए, कोई जो है किंतु परंतु नहीं चलेंगे। और हमारी जो विधानसभा है इसको हम दूसरे राज्यों की विधानसभाओं से तुलनात्मक दृष्टि से नहीं देख सकते कि कहें, अगर कोई कहे कि दूसरे राज्यों में ये होता है फलां होता है, हिमाचल प्रदेश में सेट जो है नॉर्म्स हैं कि साल में 35 सीटें विधानसभा की होनी चाहिए, मतलब कि एक मंथ से थोड़ा सा ज़्यादा समय है कि साल में 35 सीटिंग्स निर्धारित कर रखी हैं नॉर्म्स के मुताबिक। अभी तक 15 सीटिंग्स हो पाई हैं। पिछली दफ़ा 23 मार्च को आनंद फानन जो है हाउस को स्थगित कर दिया गया, तो अभी तक 20 सीटिंग रिक्वायर्ड हैं। और तो इसलिए हमने स्पष्ट किया है कि ये 20 सीटिंग्स जो हैं होनी चाहिए, अभी 10 सीटिंग्स रखी हैं। तो ये अब कोई अपने मन में ये धारणा कि किसी भी स्तर पे, सरकार के स्तर पे या किसी और स्तर पे ये धारणा नहीं होनी चाहिए कि हाउस को कर्टेल करना है, शॉर्ट करना है, कम करना है, या कोई प्रोटोकॉल की बहाना दे के कि जो है 10 सीटिंग्स को में कटौती करनी है, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अब आपने जो भी प्रोटोकॉल लगाना है, यू आर एट लिबर्टी, आप जो करना चाहते हैं करें, व्यवस्थाएं जो करनी है, सरकारों में व्यवस्थाएं होती हैं, व्यवस्थाएं आप करें, लेकिन हाउस जो है पूरे 10 दिन चलना चाहिए, क्योंकि 10 दिन चलेगा, उसके बाद 10 सीटिंग्स बाकी रह जाएंगी दिसंबर के लिए। तो आप हर साल ही अगर रूल सस्पेंड करने का लेके आएंगे तब तो कोई मर्यादा नहीं रहेगी, कोई मान्यता नहीं रहेगी। इसलिए हमने माननीय अध्यक्ष से आग्रह किया है कि आप किस आपने जो प्रोटोकॉल निर्धारित करना है दैट इज़ अप टू यू, लेकिन हाउस चलना चाहिए। लेकिन सर, सवाल अब ये खड़ा हो उसको जो है, कोरोना के चलते सदन को बंद कर दिया गया था अनिश्चितकाल के लिए, लेकिन उस समय सर कोरोना के मामले शिमला में उतने नहीं आए थे, कोई भी माननीय सदस्य इस तरह से कोरोना पीड़ित नहीं हुआ था। लेकिन इस बार जो स्थिति है सर, वो लगातार कोरोना मामले बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ कई मंत्री भी इस चपेट में आए, तो क्या अब आपको कोरोना का ज्यादा खतरा दिखाई नहीं दे रहा है इन मानसून सत्र के दौरान? देखिए, हम तो उस समय भी सत्र के चलने के पक्षधर थे, हमने तो जो है पहले ही कहा था कि जो भी डिस्कशन करना है कोरोना को लेकर हाउस में करो, तो हाउस में किया नहीं गया। और आज भी हम इसी पक्ष के हैं कि जो भी चर्चाएं करनी है हाउस में की जाएं, हाउस इज सुप्रीम, ये विधानसभा का जो मंदिर है यहाँ पे हमें भेजा जाता है, वो डिस्कशन के लिए भेजा जाता है, नीति निर्धारण के लिए भेजा जाता है। अगर ये यहाँ पे अगर सत्र ही नहीं होंगे देन व्हाट फॉर विधानसभा इज देयर, विधायकों के पास विधायक निधि होगी नहीं, सत्र होंगे नहीं, तो चर्चाएँ कहाँ होंगी? तो विधायक की भी, विधायक के इंस्टीट्यूशन का अपना बहुत बड़ा सवाल है कि विधायक के इंस्टीट्यूशन को किस ढंग से कायम रखना है। तो हमने स्पष्ट कर दिया, विधानसभा हर हालत में होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से थी उनको दूसरी यूनिवर्सिटी में शिफ्ट किया जाता, इस यूनिवर्सिटी में ताला लगाया जाता, जो जिस तरीके से ये हुआ है बहुत बहुत बड़ा स्कैम है, और डिग्रियाँ मिली हैं, मोरें मिली हैं, सब कुछ जब प्राप्त हो गया, तो ऐसे ऐसे मसले जो हैं, विधानसभा किसके लिए है,
विधानसभा में ये सारे मसले जो है डिस्कस होने चाहिए, चाहे वो हेल्थ स्कैम है, चाहे यूनिवर्सिटीज का स्कैम है, चाहे स्कॉलरशिप स्कैम है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, चाहे पंचायतों का मसला है, चाहे कोविड का मसला है, वी मस्ट डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। और इसलिए सेशन टालने की कोशिश ना करे सरकार। हमारा तो एक सिंगल सूत्री एजेंडा है, हम ये चाहते हैं कि विधानसभा लगे और डिस्कशन हो। अगर सर कोई भी संक्रमण फैलता है तो कहीं विपक्ष को टारगेट नहीं करेंगे कि मुकेश अग्निहोत्री और पूरा सदन कह रहा था कि लगाओ सदन बुलाओ, मानसून सत्र बुलाओ, आप संक्रमण फैल गया, तो आपको जिम्मेदारी का डर नहीं लगता? अरे भाई पता नहीं, ऐसा है कि ये तो जब दो लोग संक्रमित थे तब उस समय ये जो है ऐलान करने वाले थे हिमाचल इज अ कोरोना फ्री स्टेट। आज कितने क्या केसेस हो गए? 7,000 को पहुंचने लगे जी। आज कितनी डेथ्स हो गई? 40। आज देश जो है 80,000 केसेस डेली आ रहा है। आज देश में कितनी डेथ्स हो गई है टोटलिटी में? तो इसलिए आप ये सोचते रहेंगे कि जो है हम इस आड़ में जो है सेशन नहीं लगाएंगे। दफ्तर लग रहे हैं आपके? आप प्रेस वाले रोज ड्यूटी दे रहे हैं तो हमारी भी ड्यूटी है, हम ड्यूटी क्यों ना करें। थैंक यू। यार ये पेपरों में, ये सुर्खियों में खबरें छप रही है, कितना बस सही मानते हैं? क्या ये भी सदन का मुद्दा रहेगा या ये इसमें कोई तथ्य भी है? नहीं देखिए, मसले तो इस दफा मेरे ख्याल रिकॉर्ड मसले होंगे, और सरकार के कोरोना काल में जो विफलताएं हैं सबसे बड़ा मसला तो वो है, और हेल्थ सेक्टर में जो हुआ है, हेल्थ सेक्टर जो है लोगों को मानवता जो है जीवन देने के लिए है, उस सेक्टर में जो जो बातें हुई हैं, किस ढंग से पार्टी के अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ, कैसे डायरेक्टर हेल्थ का गिरफ्तारी हुई, और डायरेक्टर हेल्थ की गिरफ्तारी के बाद हम तो पिछले सत्र में भी ये कहा था कि सीएमओ के लेवल पे इस खरीद में जो है गड़बड़ियां हो रही हैं। अब इनके सांसद, मंडी के सांसद ने ही मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, हमारे पास पत्र भी है वो, तो उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि किस ढंग से मंडी में खरीदो फरोख्त हुई। अभी आपके सामने जो है चंबा के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने जो है जब स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया और अपनी नौकरी जब उन्होंने समाप्त की है, तो उन्होंने जो बातें कही हैं वो सब जांच का विषय है। उससे पहले आपने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को रात के अंधेरे में हटा दिया था। तो ये जगह जगह जो बातें उठी हैं, कहीं सैनिटाइजर की बातें आई, कहीं पे दूसरी खरीद की बात आई, पीपी किट्स की आई, आप खुद ही आनंद फानंद जांच करा के जो है क्लीन चिटें बांटते रहोगे, ऐसा थोड़ी होगा। सर इस बार जो है 230 से ज्यादा जो इसके रूल एंड रेगुलेशन है, सभी मंत्रियों के, सभी विधायकों की कोविड जांच होगी, स्क्रीनिंग होगी, आपको लगता है सर इस चीज को लोग फॉलो करेंगे? और ये कहा गया कि इस बार कर्मचारियों के जो भीड़ है उसको भी छोटा कर दिया गया है, विधायकों को ये कहा कि अपने एक ही कर्मचारी को अपने साथ लेके आएंगे, आपको लगता है सर जो मान्य सदस्य 68 के 68 और जो प्रेस गैलरी में लोग बैठे उस चीज को फॉलो करेंगे ताकि हम लोग कोरोना से भी लड़ सके और सदन भी कार्यवाही भी पूरी हो सके? देखिए सिर्फ कोरोना तक ही सीमित ना रह के बात बहुत आगे चली गई है, 6 महीने का समय निकल गया है। जब सेशन को सस्पेंड किया था और अब 22 सितंबर से पहले हर हालत सेशन करना, ये कोई हमें कोई खैरात नहीं दी जा रही है, ये हमारा अधिकार है। 6 महीने के अंदर सेशन बुलाया जाना था, उस सेशन को बुलाया जा रहा है। हम तो पहले भी मांग करते रहे, हमारी बात तो उसमें मानी नहीं गई, लेकिन अब 22 सितंबर से पहले सेशन होना है तो इसलिए अब सेशन रखा गया है। अब सवाल ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि अर्थव्यवस्था का क्या हाल हो गया, प्रदेश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल हो गया। आप अगर इसको मूल्यांकन करें तो आप ये देखें कि हमारा जो है कल ही मैं देख रहा था जो GST का हमारा शेयर है केंद्र ने देने से इनकार कर दिया। अब GST का कमिटमेंट थी कि जून जो है 2022 तक जो है केंद्र सरकार देगी, जो भी शॉर्टफॉल ऑफ GST होगा कलेक्शन में वो केंद्र देगी, लेकिन इस दफा केंद्र ने अभी 4 दिन पहले मीटिंग रखी थी, उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया कि आपको जो है GST का शॉर्टफॉल हम नहीं दे पाते, आप कर्जा उठा लो। तो कर्जा तो पहले भी सरकारें उठाती रही हैं, भारी भरकम कर्जा प्रदेश पे हो गया है,
अब इसके दो फैक्टर्स हैं, एक तो ये है कि जो जीएसटी की कलेक्शन स्टेट ने करनी है, स्टेट कितनी कलेक्शन कर पाएगा और स्टेट की कलेक्शन में कितना शॉर्टफॉल है। दूसरा, जो केंद्र ने देना था 3200 करोड़ रुपए के आसपास साल के दौरान, वो पैसा नहीं आ रहा और केंद्र ने कह दिया कि आप ले लें। ये केंद्र की जिम्मेवारी है, अगर केंद्र ये जीएसटी का शॉर्टफॉल नहीं दे सकता और कर्जा लेने की बात कर रहा है तो केंद्र उठाए ना कर्जा, केंद्र कर्जा उठाए और राज्य को पास ऑन करे। स्टेट को कह रहे हैं कि आप कर्जा उठा लो और ये सब लोग खामोश हैं, मुंह इनके सिले हुए हैं, ये दिल्ली की सरकार के आगे कोई बात रख नहीं सकते कि आप तो क्या मोदी सरकार के आगे ये बात क्यों नहीं आपने रखी कि 22 जून 2022 तक आपको ये पैसा देना है। अगर आप हमें ये पैसा नहीं देंगे तो सरकारें कैसे चलेंगी। तो इसलिए 3200 करोड़ रुपए का नुकसान, बड़ा मेजर नुकसान हिमाचल प्रदेश में है। आप पहले ही देख रहे हैं जो ये 5 ट्रिलियन की बात करते रहे अर्थव्यवस्था की, आज अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है। आज जीडीपी जो है रिकॉर्ड डाउन हो गई, -24 पे पहुंच गई जी। अब हिमाचल प्रदेश में इसमें स्थिति क्या है कि ये कर्जे उठा रहे हैं, हर साल ये कर्जा निर्धारित कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का जो बजट मार्च में पेश किया था वो धड़ाम से जमीन पे गिर गया है। उस बजट की क्या अब अहमियत रह गई, क्या आप कुछ द्वारा से मूल्यांकन करेंगे। आपने जिलों को चिट्ठियां लिख दी, डिपार्टमेंटों को चिट्ठियां लिख दी कि आप 35% से ज़्यादा डेवलपमेंट का बजट खर्च नहीं करेंगे, इसका मतलब 65% का आपने कट लगा दिया। अब आप रोज यहाँ पे जो है ऑनलाइन उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं रोज, तो आप चिट्ठियां लिख रहे हैं कि आप 35% से ज़्यादा बजट खर्च नहीं करेंगे। ऊपर से आप रोज यहाँ से जो है कह रहे हैं कि हम विकास बहुत करेंगे। आप किसको मूर्ख बना रहे हैं अगर आप पत्र लिख रहे हैं। फिर आपने नॉन प्लान और प्लान खत्म कर दिया, आपने जो है यहाँ खत्म कर दिया। उसके बाद आप बताएं कि प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन किस बात के लिए बैठाया हुआ, किस बात की पोस्ट क्रिएट की गई। जब नीति आयोग आ गया और प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया तो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन क्या करेगा। अभी आपने फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बना दिया, वो क्या करेगा आपने बताया नहीं। अभी आप जो है फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन से मिलने दिल्ली गए थे तो आपको उन्होंने क्या कहा, आपने उनसे कुछ तो मांगा होगा। सर इस पर लेकर बंदरबान शब्द यूज किया था। साथ ही साथ क्या आप विपक्ष शैक्षणिक योग्यता रहनी चाहिए प्रधान पंचायतों में भी, इस चीज को लेकर सर जरूरत है आज के डेट में। नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पंचायतें बढ़ाई कैसे गई हैं। पंचायतें पंचायती राज विभाग में नहीं बनी है, पंचायतें जो है मुख्यमंत्री के कार्यालय में बनी है। पंचायतें मुख्यमंत्री के कार्यालय में एक अफसर जो है, जो जिनको टायर्ड रिटायर्ड की संज्ञा दी जाए, उन्होंने वहां बैठ के उनके नॉर्म्स बनाए। अब आप बताएं कि मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र की पंचायतें बनाने के लिए सारे नॉर्म्स बदल दिए गए। पंचायतें बढ़नी थी नॉन ट्राइबल एंड ट्राइबल, दो तरह से पंचायतें बढ़नी थी। एक थर्ड बनाया गया बैकवर्ड क्लास पंचायत, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का अपना सारा हलका बैकवर्ड में आता है, तो उसके लिए बैकवर्ड के लिए नॉर्म्स बदले गए कि इतनी आबादी होगी और 5 किलोमीटर की बजाय 4 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। और इस ढंग से मुख्यमंत्री जी ने अपने हलके की 20-25 पंचायतें बना ली। हम तो पहले ही कहते रहे हैं कि ये जो है सरकार जो है चंद हलकों की सरकार है, ये पूरे प्रदेश के बारे में सोच ही नहीं सकती। अच्छा, उसके बाद शोर मचा जब पहली बार पंचायतें बनाई, उसके बाद लोगों को कहा आपको दो दो पंचायतें दे देते हैं। फिर शुरू हुआ जो दूसरी बार पंचायतें बनाई, उसमें कोई नॉर्म नहीं बनाया, सब धक्का था। और तो और जो मुख्यमंत्री कार्यालय से जब वो अप्रूव की, उसमें पटवार सर्कल तक नहीं लिखे हुए हैं कि ये पंचायत किसको टूटके किस से बनेगी, ये इसके बाद कौन सा एरिया आएगा, एरियाज तक उसमें आइडेंटिफाइड नहीं है। फिर उसके बाद तीसरी लिस्ट और निकाल दी, क्योंकि लोगों में रोष है। एक्चुअली जो असल में पंचायतें बढ़नी थी वो तो सारी छूट गई, जो नॉर्म्स पे बढ़नी थी वो पंचायतें तो छूट गई। और ये धक्के की पंचायतें जो है बनाने की, राजनीतिक तरीके से बनाने की इन्होंने कोशिश की है। अब सवाल ये है कि उन पंचायतों को बनाते समय जो है 7 डेज का इन्होंने टाइम दिया डिप्टी कमिश्नर्स को कि किसी ने ऑब्जेक्शन करना है।
डीसी को डिसाइड करने के लिए 3 दिन का टाइम दिया। आप देखें 22 जनवरी से पहले पंचायतें बढ़नी है, पंचायतें बढ़ने से पहले क्या क्या होना जरूरी है, हदबंदी होनी है, हदबंदी पंचायतों की होगी। पहले एक बार हदबंदी हो चुकी थी और पंचायतों का जो है वोटर लिस्ट लगभग फाइनल हो गई थी जब इन्होंने ये फैसला किया अब पंचायतें बनानी है, जबकि जब एक बार प्रक्रिया शुरू हो जाती फिर नहीं होता, लेकिन इनके लिए कोई कायदे कानून नहीं है और इन्होंने जो है ये काम अपने हाथ में ले लिया। अब हदबंदी होनी है, फिर रोस्टर लगना है, रोस्टर लगने के बाद ये आपका वोटर लिस्ट होनी है, ये सारे काम करते कराते जो है आप कब फाइनलाइज करेंगे, और एक महीना तो कम से कम आप देंगे पंचायतें घोषित चुनाव घोषित करने से पहले, जहां जब आप कोड ऑफ कंडक्ट लगाएंगे तो समय कितना है। ये अभी तक भी हमें स्मेल आ रही है कि ये पंचायतों के चुनाव को आगे सरका सकते हैं, और अभी भी ये जो है इन्होंने नगर निगम नगर पंचायतें कोई एक्सरसाइज किए बगैर एकदम से शुरू कर दी। अब वो मसला भी ये है कि जो नई नगर पंचायतें बनाएंगे उसके चुनाव ये पंचायतों के साथ कराएंगे ही नहीं, क्योंकि उसमें प्रोविजन है कि 2 साल तक आप वेट कर सकते हैं, तो वहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेटर लगाएंगे। तो डेमोक्रेसी की जो मूल भावना है उसको ये फ्लाउट करते जा रहे हैं। जैसे और फिर आपने कहा जमीनों का, जमीनों का मसला, तो अगर मुख्यमंत्री जी ने किसी मंत्री विशेष के खिलाफ जांच इनिशिएट की है तो मुख्यमंत्री को तो सुमोटो ही विधानसभा के पहले दिन ही स्टेटमेंट देनी चाहिए कि मैंने अपने मंत्री के खिलाफ जो है जांच बिठाई है। जिस ढंग से ये जमीनों का हुआ है, और आप देख रहे हैं कि एक दिन एक मंत्री दिल्ली जा रहा है, दूसरे दिन दूसरा मंत्री दिल्ली चल रहा है, ये जो मौजूदा सरकार है ये शिमला से नहीं चल रही है, ये दिल्ली से चल रही है, ये एक्सटेंशन ऑफ दिल्ली है, दिल्ली की एक्सटेंशन है ये। यहाँ पे जिस ढंग से ये सरकार चला रहे हैं कि सारे फैसले दिल्ली में होते हैं, उसके बाद जो है यहाँ तो कट एंड पेस्ट करके जो है फैसलों को लागू कर दिया जाता है, चाहे यही कोविड काल में भी हुआ, यही आज हो रहा है। और अब आप देखें कि इस समय जो है 4-3 लाख के आसपास, 3.5-4 लाख के आसपास लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं। सबसे अहम मसले तो वो हैं जो डिस्कशन मांगते हैं कि इतने लोग बेरोजगार हो गए, आपने उनकी नौकरी का क्या बंदोबस्त किया, आप कैसे उनको नौकरियां देंगे। सिर्फ जो है रोज राष्ट्र के नाम संदेश दे के तो बात नहीं बनेगी, आपको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। और आप देखें, मैं बड़ा हैरान हूँ, अब आप यूनिवर्सिटियों में जो है किस ढंग से स्कैंडल हुआ है डिग्रियों का। अब मानव भारती यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी सोलन में चल रही है, मानव भारती यूनिवर्सिटी ने लाखों डिग्रियां बांटी हैं, लाखों डिग्रियां, और लाखों लोगों के भविष्य से इन्होंने खिलवाड़ किया है। और उसमें जो है SIT सोलन में बनाई गई थी, और SIT सोलन में गठित करने के बाद ये जब जांच के दौरान सामने आ गया कि लाखों डिग्रियां जो है इन्होंने की हैं, और उसके बाद आपने जो है उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, 6-7 उस मसले में गिरफ्तारियां हुई हैं। आप बताएं कि मानव भारती यूनिवर्सिटी का जो दूसरा सिरा है जो जुड़ा हुआ है वो माधव यूनिवर्सिटी राजस्थान से जुड़ा हुआ है, माधव यूनिवर्सिटी भी इन्हीं की यूनिवर्सिटी है, और ये क्या करते थे कि यहाँ पे लोकल लेवल पे इन्होंने रखा हुआ था कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर था वो असली था, एक रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी था। जो चौथी मंजिल थी बिल्डिंग में, उसमें जो है वो सब डिग्रियां दी जाती थी जो फर्जी होती थी, फोर्थ मंजिल में जो आर से शुरू होने वाली डिग्रियां थी वो सारी फर्जी हैं, और वो लाखों डिग्रियां इन्होंने बांटी। और अभी चंडीगढ़ में काफी वकील हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई लोग हैं जो नौकरियां कर रहे हैं, इन्होंने लोगों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ कर दिया। और खुद व्यक्ति जो है वो अभी जो पता नहीं जुडिशियल रिमांड में है कि अगर वो 2 राज्यों के लिए है तो आप उसको CBI को क्यों नहीं देते। अगर माधव यूनिवर्सिटी राजस्थान में है और मानव भारती यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में है, तो आपको अगर इसकी सही जांच करानी है तो आपको फर्जी यूनिवर्सिटियों के रिकॉर्ड को जो है CBI को देना चाहिए। सेकेंडली,
ये जो डिग्रियों का जो रैकेट है, आपने मानव भारती यूनिवर्सिटी पे क्या 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 एक्शन लिया? आपने उसको बंद क्यों नहीं किया?